जीपी सांसद रवि किशन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम स्वागत करते हैं, तमाम चीजों पर बातें करेंगे। रवि किशन जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। नमस्कार, पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? एंटायर टीम जी, बिल्कुल, जितनी भी दर्शक हैं वो जानने के लिए उत्सुक हैं। रवि किशन जी, लॉकडाउन का वक्त है, ऐसे में आप कैसे अपने घर में ये वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि आप, आपके फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे रवि किशन जो है इस लॉकडाउन के वक्त में भी संयम रखते हुए घर के अंदर हैं और अच्छे से वक्त बिता रहे हैं। ये जो पीछे पेड़ पौधा देख रहे हो, ऐसा हमारे घर में बहुत पेड़ पौधा है। मुंबई में हूँ मैं, पानी देता रहता हूँ, पेट्स को खिलाता हूँ। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर वर्ग आते हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उन लोगों को राशन अपने यहाँ आवास से नीचे बंटवाता हूँ। गोरखपुर में रोज राशन बंट रहा है तो वहां पर नजर होती है। तो हर जगह पे जो ये गरीबों को राशन पहुंचाना है वो आज से पटना शुरू कर रहे हैं, जौनपुर भी। देश में सब प्यार करते हैं, हर जगह ये काम करता रहता हूँ। पूरा दिन चला जाता है सबकी सेवा में। फोन आते रहते हैं कि भैया यहाँ फसल आई, भैया वहां फसल आई, भैया मध्य प्रदेश में आई, भैया बैंगलोर में आई, आंध्र प्रदेश में आई। तो हर जगह सांसद मित्र है, फिल्म कलाकार होने की वजह से हर जगह पर हमारे मित्र बहुत लोग हैं पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं राशन सबके यहाँ भगवान की दया से पहुंच जा रहा है और बड़ा आनंद आ रहा है। बस यही है कि मैं सबसे जी के सभी दर्शकों से कहूंगा कि भैया हो घरे रहा, ढुकले रहा, घर घरे से बाहर मतने के लिए, जैसे हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हमारे पूज्य महाराज योगी जी कह लन की घर में से आप लोग रहें प्लीज। ये युद्ध आपको घर से, घर में रह के लड़ना है और ये महामारी बहुत बड़ी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बहुत फैल गई है, जब से ये निजामुद्दीन का केस हुआ है तब से ये चारों तरफ फैल गई है और लोग फैला दिए हैं जान के इसको, ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र में इसको बहुत बढ़ गया है, मौतें रोज हो रही है, मौतें और बढ़ रही है, 24 घंटे में केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग कृपया इसकी सीरियसनेस को समझे। लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है, रोज हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं। न्यूयॉर्क वगैरह एकदम बर्बाद हो चुका है, यूएस बर्बादी की तरफ आ चुका है, ब्रिटेन की वही हालत है, इटली की वही हालत है, ईरान की वही। तो अपने भारत को उतनी बुरी अवस्था में ना लाए जैसा लोग प्लान कर रहे हैं। आप लोग उनको जीतने ना दे, आप लोग घर में रहे। तो आप मानते हैं कि जो ये डिसीजन लिया गया लॉकडाउन का, सही समय पर लिया गया, क्योंकि जो स्थिति अन्य देशों की है वैसी स्थिति तो हमारी नहीं है और आगे भी जो पब्लिक है वो सपोर्ट करेगी? जी ऑफ कोर्स, ये सामने जैसा लोग सोच रहे थे कि 130 करोड़ का देश, अगर यहाँ पर मैडनेस हो सकता था, यहाँ बहुत भयंकर। लेकिन ऐसा कहा जाता है मोडेमर रिसर्च से कि हम लोग, चूंकि हम लोग शाकाहारी ज्यादा है, वेजिटेरियन ज्यादा है, तो इट्स नॉट इफेक्टिंग उसके वैसा मांस खाने वालों वाला एक मेनी रिसर्च जो चल रहा है। तो हिंदुस्तान बचा है बहुत सारे और हमारे नेता जब इतने अद्भुत हैं, हमारे प्रधानमंत्री जितने बड़े इतने बड़े योगी हैं, तो उससे तो बहुत सारी चीजें बच रही। लेकिन जनता आपको धन्यवाद कि आप लोग घर पर हैं और आप लोगों ने इस चेन को तोड़ने में काफी मदद की है। तो भगवान करें 14 को ये लॉकडाउन खत्म हो, भगवान करें कि हम लोग बाहर निकले, थोड़ा काम वाम करें। लेकिन आप लोग घर में रहिए 14 तारीख तक, कभी भी बहुत कठिन परीक्षा। बिल्कुल, इस कठिन परीक्षा में कुछ निर्णय भी लिए गए हैं। 30% की जो सैलरी है उसमें कटौती होगी, सांसद निधि जो है वो अभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि आप अपनी एक महीने की सैलरी जो है वो भी दान कर रहे हैं। मैंने 2 साल के हमलों का भी एम्पीलाइड है वो नहीं होगा, 1 महीने की सैलरी दान कर चुके हैं। 1 करोड़ रुपया हमारे एमपीलैड से प्रधानमंत्री राहत कोष में चला गया, 50 लाख ऑलरेडी हम गोरखपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में दिए। हम तो कह रहे हैं अगर इस देश के लिए और ऐसे वक्त पर, इस देश से मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बहुत गरीब लड़का था, मिट्टी के घर से मैं फिर सुपरस्टार इस देश ने बनाया, पूरे देश में ना होगा, विश्व में ना होगा रवि किशन। आज हम कुछ लाए तो नहीं थे, खाली हाथ ही जाएंगे। तो हमको ऐसा लगता है जरूरत पड़ेगी तो हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं आपके माध्यम से, और कर चुके थे कल भी, कि मैं अपने 5 साल की तनख्वाह भी देने तैयार हूँ। इस राहत आपदा में अगर कुछ भी जरूरत पड़े, आप हम लोग इस अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा हम लोगों का, क्या फायदा ऐसी दौलत का? अगर मेरा देश तकलीफ में रहेगा तो लानत है हम लोगों की जिंदगी पे, क्या फायदा हुआ ऐशो आराम का, जिस मिट्टी को हम संभाल नहीं पाए, जिस देश के हम हो ना पाए।
तो मुझे ऐसा एक थॉट आया, मैं ये अपने स्वयं की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं सांसद मैं किसी और को नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बट मैं स्वयं चाहूंगा कि अगर तकलीफ आएगी मैं अपने 5 ईयर्स की सैलरी को भी सैक्रिफाइस करूंगा। जैसे मैं अपना फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा करियर छोड़ के मानवता के लिए आ गया हूँ, मैं बहुत 365 डेज शूटिंग करता था, तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में, भोजपुरी में, वेब सीरीज में, हर जगह पे आप लोग मुझे पाते थे, राइट। अब मैं वो छोड़कर अगर हम सेवा में आए तो संपूर्ण अपना दिल दिया है, जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। आपके वैसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं, उनमें से एक डायलॉग है जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अगर कोरोना वायरस को लेकर ये हम देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? यहाँ का भैया हो, जितना लोग हमारा के भोजपुरी लोग और समस्त लोग हमारा के सुनताड़ा पूरा देश में कि भैया हो, सटला तो गईला सटिए गए, दूरी बना के रखे, डिस्टेंसिंग कहते हैं ना, डिस्टेंस रखिए, सटला तो गईला और पकड़ ले रहा खाट ना, तो भेंट हुई घाट पर, कहा हो पकड़ ले रहा खटिया पे ना, तो भेंट हुई घटिया पे, हम ना चाह कि आप लोग को घाट पे मुलाकात हो और सट के आप लोग सटला तक गईला। तो यह बात जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, यही खातिर कि कितना लोग जैसे तबलीगी जो जमात वाला मॉडल, इन लोगों के मालूम हो कि कोरोना वायरस फैलल बा, इनको मालूम है कि सट के नमाज पढ़ेंगे, भीड़ में नमाज पढ़ेंगे, जो भी करेंगे तो हम ये वायरस लेंगे और उसके बाद हम उस जगह से बजाय डॉक्टर के पास जाने के हम पूरा देश में घूम रहे हैं अलग अलग और हर जगह फैला रहे हैं। तो उन लोगों के कहा कि जिंदगी झंडवा इन लोगों के, तब वो कौन बात के घमंडवा हो, इन लोगों के बुद्धि हो क्योंकि चाहत रहे कि कोरोना वायरस बा और सब लोग कहाँ कहाँ मलेशिया से यहाँ से वहां से आए हुए थे इस जमात में, अब वो पूरा फैला दिया और उसकी वजह से, नहीं तो काफी हम लोग कंट्रोल कर लिए, इतनी मृत्यु नहीं होती, इतना नहीं फैलता, इतनी हालत आज हम लोग की खराब नहीं होती, जो सिचुएशन पे एकदम हम लोग अलर्ट जोन पर आ गए, ये निकल के मरले सी जमात हम लोगों के पूरा पगला दिले इसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, हालांकि दो बार अपील की, दोनों बार देश की जनता ने समर्थन दिया, अपना दिए भी जलाए इस बार, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि एकजुटता के साथ हम इस जंग में जीत हासिल कर ही लेंगे आखिरकार? हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था, नेवर थॉट कि ऐसे प्रधानमंत्री कहेंगे, ये तो मतलब मैंने ऐसा कोई लीडर देखा ही नहीं था जिसको इनके बोलने पर देश सेल्फ बोलते ना, जनता कर्फ्यू सेल्फ लॉकडाउन कर लेता है, फिर कहते हैं आइए ताली बजाइए, खाली बजाइए, मैं शंख बजा रहा था उस दिन, और फिर कहते हैं कि आज दिन आप लोग दिया जलाएंगे और एक संदेशा होगा कि 130 करोड़ की जनता पूरे विश्व में जाएगा कि हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए संगठित हैं, वी आर टुगेदर, और कोई फोर्स नहीं, 9 मिनट के लिए सबने लाइट ऑफ की, सुंदर दिया जला, नासा से उसकी जब तस्वीर आई, मेरा देश पूरा, जब पूरा विश्व डगमगा रहा था, मेरा देश जगमगा रहा था, तो इतना अद्भुत ये खेला किए हैं, मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जी को तो मैं सच सच नमन करूंगा कि वाह आप हर हर महादेव, ऐसे हम लोग का भाग्य सौभाग्य है कि हम लोग उनके ऐसे प्रधानमंत्री में, जब निस्वार्थ आदमी होता है तो उसकी आवाज में एक अलग सी खनक होती है, उसकी आवाज में एक अलग शक्ति होती है, और वो आज हम पूरा ये धरती धन्य हो गई, अगर कोरोना का ये पूरा ये वायरस का पूरा संक्रमण हम लोगों ने कंट्रोल किया इज ओनली बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज डे वन से हम जब पार्लियामेंट ही चल रहा था तब से प्रिकॉशन की बात कर रहे थे, लॉकडाउन भी उन्होंने करेक्ट समय पे किया, सो बैंग ऑन वो पूरा कर रहे हैं, बस ईश्वर और साथ दे, हम लोग और संयम से रहे और घर में कंट्रोल करके रहे, बाहर ना निकले, बस घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, पूरी दुनिया मैंने अपनी क्रिएट कर दी, आप लोग भी पढ़ें लिखें, योगा करें, नाचें, पत्नी को निहारें, बहुत दिन से आप देखे नहीं होंगे, धर्म पत्नी को अपने माता पिता के पैर दबाएं, सेवा करें, बच्चों से पूछें।